30 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बाड़मेर में 168 बूथों पर दो बूंद जिंदगी की पिलाई जाएंगी। शुक्रवार को नर्सिंग स्टूडेंट्स और स्टाफ ने रैली निकाली। रैली जिला अस्पताल से रवाना हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए विवेकानंद सर्किल पहुंची। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकर लगी टैक्सी घुमाई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव मित्तल के मुताबिक जिले में पल्स पोलियो अभियान 30 जून से 2 जुलाई तक चलाया जाएगा। अभियान के पहले दिन जिले में निर्धारित किए गए बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। 30 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बाड़मेर में 168 बूथों पर दो बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। शुक्रवार को नर्सिंग विद्यार्थी और स्टाफ ने रैली निकाली। रैली जिला अस्पताल से रवाना हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए विवेकानंद सर्किल पहुंची। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकर लगी टैक्सी घुमाई गई। दरअसल बाड़मेर में 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत 30 जून को होगी। इस दिन 168 बूथ पर पल्स पोलियो की दवा 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी। अगले 2 दिन तक 2062 हाउस टीम घर घर दवा पिलाएंगी। 188 सुपरवाइजर की टीम बनाई गई है। शुक्रवार को चिकित्सा विभाग की ओर से रैली निकाली गई। वहीं पल्स पोलियो अभियान जागरूकता के लिए लाउड स्पीकर लगाकर शहर में टैक्सी भी घुमाई गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से निकली। कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित ना रहे, इसके लिए ग्राम स्तर पर कार्यरत समस्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव मित्तल के मुताबिक जिले में पल्स पोलियो अभियान 30 जून से 2 जुलाई तक चलाया जाएगा। बाड़मेर जिले में 30 तारीख को जो राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू होने जा रहा है, उसकी सभी तैयारियां हमने पूरी कर ली है। करीब हमने 168 बूथ की स्थापना की गई है और हमारा जो लक्ष्य है 0 से 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की बूंदें पिलाने का, वो लक्ष्य हमारा है। 227,814 बच्चों को हमें 0 से 5 साल तक के बच्चों को दवाई पिलाने का हमारा लक्ष्य रखा गया है। इसमें हमने जो हाउस टू हाउस टीमें बनाई है, 4,578 हमारी हाउस टू हाउस टीमें हैं। जो हमारी ट्रांजिट टीम है, 45 हमारी ट्रांजिट टीम है। ट्रांजिट टीम का मतलब है जो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर जो हमारी टीम कार्य करेगी, उसे हम ट्रांजिट टीम बोलते हैं। वो हमारी करीब 45 टीमें रहेगी बाड़मेर ज़िले के लिए। 5 टीमें हमारी ऐसी रहेगी जो दूर दराज एरिया है, जहाँ पे हमारा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ या हमारी आशा सहयोगी नहीं पहुँच पाती है, और वहाँ पे जो डानियों में बच्चे बैठे हैं, 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए हमने 5 टीमें, मोबाइल टीमें भी गठित की है, जो कि व्हीकल के माध्यम से दूर दराज के एरिया में जाएंगे और वहाँ पर रहने वाले 0 से 5 साल तक के बच्चे को दवाई पिलाएंगे। गौरतलब है कि भारतवर्ष 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन पड़ोसी मुल्क में पोलियो वायरस होने के कारण बाड़मेर सहित कई जिलों में भी पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है। 30 जून से शुरू होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में कुल 168 बूथ बनाए गए हैं। साथ ही 2062 हाउस टीम और 188 सुपरवाइजर टीमें बनाई गई हैं।